हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक जो बुक चल रही थी वो चल रही थी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ये हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने इंडस्ट्री, ठीक है, डिस्प्यूट कहाँ है, क्या है, कौन इंडस्ट्री है नहीं है, इंडस्ट्री के संबंध में बेंगलुरु वाटर सप्लाई का केस हमने पढ़ लिया था, और जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट की जो फॉर्म्स होती हैं, ठीक, वो क्या है, स्ट्राइक है, ले ऑफ है, लॉकडाउन है, लॉकआउट है, ठीक है, रिट्रेंचमेंट है, या क्लोजर है, और घेराव, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में जो हमने देखा था कि कंसीलिएशन ऑफिसर, ठीक है, मेंबर ऑफ बोर्ड, कोर्ट, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले ही। हमें एक्चुअल में इससे आगे पढ़ना है। लास्ट जो हमारा चल रहा था वो हमने एक साथ पढ़ा था सेक्शन 7, 7A, 7B, जिसमें हमने लेबर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, इन सब को एक साथ कवर किया था। आगे बढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हम अब बात करेंगे जो अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी की, जो अथॉरिटी के संबंध में जो प्रोसीजर दिया हुआ है, जो इनकी पावर है और इनकी क्या ड्यूटीज है। इस पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि इनके जो अथॉरिटीज हैं, अथॉरिटीज की क्या पावर है, उनके संबंध में क्या प्रोसीजर है और उनकी क्या ड्यूटीज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो देखते हैं पावर एंड प्रोसीजर, किसकी जो अथॉरिटीज हैं, अथॉरिटी कौन सी, कंसीलिएशन ऑफिसर, ठीक है, और बोर्ड, कोर्ट, लेबर कोर्ट, ठीक, ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, इनके संबंध में क्या पावर और क्या प्रोसीजर है, इसको हम देखेंगे, ठीक है। अब हम जो लिखेंगे कंसीलिएशन ऑफिसर को सीओ, बोर्ड को बी सी, इस तरीके से लिखेंगे, ये आप देख लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं इनके संबंध में क्या पावर एंड प्रोसीजर है। तो सेक्शन 11 में ये जो अथॉरिटीज हैं, ठीक है, इनकी पावर और प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है, किसका, कंसीलिएशन ऑफिसर का, बोर्ड का, कोर्ट का, और लेबर कोर्ट का, ट्रिब्यूनल का, नेशनल ट्रिब्यूनल, इसके संबंध में। इसका पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में देखिए, कंसीलिएशन ऑफिसर नहीं है, उसकी जगह क्या है, आर्बिट्रेटर है। आर्बिट्रेटर, बोर्ड,
कोर्ट, लेबर कोर्ट,